वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग गाइस। दोबारा से आज मैं आ चुका हूँ गुड़गांव, हमारे ड्रीम बॉय के शहर में। और देखो हमारे साथ कौन है यहाँ पे, एजियो जी। सबसे पहले मैं तुम लोगों को अभी एंट्री दिखाता हूँ। सुबह सुबह एक्चुअली होटल रूम में मैं कैसे आया, नहीं मैं अभी भी नींद में हूँ, तब भी वो देखने लायक। तुम लोग पहले वो देखो एक बार। व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, तो अभी मैंने यहाँ पे गाइस होटल पहुंचने वाला हूँ एंड मैं अभी एजियो और ड्रीम बॉय का देने वाला सरप्राइज। उनको बिल्कुल नहीं आईडिया की मैं यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। लेट्स सी उनका रूम नंबर है 401 402 401। ये वाला है ओके, लेट्स गो भाई, खोल दे। वैसे लोग ये लोग बहुत बड़े सोतड़े लोग हैं, लग रहा है लोग दरवाजा नहीं खोलने वाला है मेरे लिए। सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंच चुका हूँ, सुबह सुबह खास करके ड्रीम बॉय तो उठता ही नहीं है, जो तभी उठ जाएगा शायद से। What's up? कौन है ये सोती हुई परी हमारी? भाई जी भाई जी अपने ईस्ट की तो शक्ल छुपानी पड़ेगी यार। सुबह सुबह भाई शक्ल छुपाओ, शक्ल छुपाओ, शक्ल छुपाओ। और भाई जी क्या हाल चाल है? ले यार ले 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 मुंह छुपा ले अपना भाई, तुड़ंग से एक बारी। ये देखो भाई फिर से लेट गया बंदा, मैं इतना दूर से आया मिलने इन लोगों से और कोई शर्म नहीं है भाई, दोनों को टेढ़े पड़े हुए आराम से। ये देखो भाई साहब बंदों का खाना खूना सारा इधर ही पड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे फेंटा फुंटा। तो फाइनली गाइस अभी उठ चुके हैं, एज यू लगाया पूरा एक घंटा नहाने में। ड्रीम बॉय तो नहाया नहीं और मैं भी नहाया नहीं ऑफ कोर्स। देखो अब मुझे बोल रहे हैं इतना टाइम लगा, इनके बदले का मैं ही नहाया। देखो ना टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ कम से कम। तो बेसिकली गाइस आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ बहुत ही स्पेशल शूट के लिए, कुछ बहुत ही जल्दी कुछ बहुत ही स्पेशल चीज आने वाले, उस चीज का तुम लोगों को वेट करना है बस। एंड मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक्सपीरियंस ब्लॉग में शूट किया जाए, तो अभी देखते हैं इसका हम लोग कहाँ जाएंगे। जी हमारे लिए कुछ खाने के लिए सामान लेके आए हैं क्या? नाश्ते में देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टोमेटो, उसके बाद है स्मोकी बारबेक्यू, उसके बाद है क्रीम एंड ओनियन। ये तो खा चुका हूँ मैं। ये मखाने बेचते हो क्या मुंबई में? सच बोल रहा है मुझे बहुत पसंद है, सारे फ्लेवर के मखाने लेकर आया बंदा, लगा मखाने का डीलर नहीं होता वाला। इट्स ऑल अबाउट फ्लेवर्स, वो जो फ्लेवर्ड मखानों का जो मसाला होता है हाथ को चिपकता है, मजा तो आता है भाई, मजा तो आता है भाई, बहुत मजा आता है। बात तो है भाई नॉर्मल मखाने गए तेल लेने भाई, जब से मैंने ये खाया तब से नॉर्मल मखाने में पैसे नहीं दिए भाई दो हमें, सुबह जो 7 बजे में यही खा रहा था भाई, पैसे नहीं दिए भाई हमको ऐसे, ये हम लोग खुद ही मतलब नॉन डॉट स्पॉन्सर्ड बाय मखाना गए, बिल्कुल भी नहीं है स्पॉन्सर्ड बिंसर भाई, और अगर कंपनी सुन रही है भाई तो मैं दे दो हम तो स्पॉन्सर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं हम, खाते हैं रेगुलर कस्टमर भाई। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस सबसे पहले आया बटर नान खाने का, किसका है भाई ये तुम दोनों में से? आपका तो नहीं है अंगद भाई? आप तो खाना खा के आए हो, किसी का एक का नहीं सबका है। अच्छा सारे मिक्स मिक्स खाएंगे बाद में, हम लोगों ने 3-4 चीजें मंगाई है, सारे मिक्स मिक्स करके खाते रहेंगे। चलो भाई गेड़ा दे, हम लंच कर देते ना स्कूल में सारे दोस्त मिल के, वो होने वाला। मैं चाहता हूँ कि पहले आप खाओ, आपको मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ खाते हुए। रुको रुको मैं पूरा एंगल ऐसे निकालूंगा कि इसका फेस रिवील हो जाएगा गाइस यहीं पे आज। कहता था अरे बेस्ट था, जाओ घर जाओ यहाँ से, चलो घर जाओ। मर जाएगा मर जाएगा। दूसरी आइटम थी हमारी क्या थी, छोला कुलचा। कुलचा तो भाई अकेले के एजू ने गेड़ा दिया खाने में, कैसा लगा भाई साहब? आया पसंद दिल्ली का कुलचा? ये हमारा दिल्ली का सेकंड टाइम खा रहा पाव है बाय द वे, ये दिल्ली का पाव प्यारो दिखाओ भाई पाव। ये यहाँ पे ड्रीम बॉय है, देखो ड्रीम बॉय का फेस रिवील। अरे भाई जी ब्लॉग में आया हो तो जरा देख लेना गाइस, ब्लर हो जाएगा। यो व्हाट्स अप गाइस, तो देखो यार अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। बाय द वे जो मैंने तुम लोगों को बताया इससे पहले कि हम लोग एक वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसी के टास्क में अपन पहुंचे हैं इंडिया गेट के पास। सोच रहा हूँ भाई थोड़ी बहुत फोटो खिंचाई जाए यहाँ पे। एंड बाय द वे गाइस मेरे दोस्त एजियो और ड्रीम बॉय दोनों के दोनों अलग बिछड़ चुके हैं मुझसे इस वक्त, और वो बिछड़े क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस टास्क वीडियो, हम लोग बाय द वे एक वीडियो शूट कर रहे हैं, बताऊंगा ना एक्जैक्टली क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे, और कुछ तो बहुत ही स्पेशल आने वाला है बहुत जल्दी यार। तैयार हैं तुम लोगों ने? बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को। एंड ऑनेस्टली बताऊं तुम लोगों को, मैं ना हाफ बाजू में आया था यहाँ पे, मेरे को लगा दिल्ली में गर्मी होगी बहुत ज्यादा तो हाफ बाजू पहन के चलते, पर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी भाई, इतनी तेज जलन वाली धूप लगी हुई है कि लिटरली मेरे को दर्द हो रहा है हाथों में इस वक्त, मेरे को इतनी ज्यादा तेज धूप की आदत नहीं शिमला में कसम से। यहाँ पे इतने सारे लोग लेटे हुए हैं सोए हुए आराम से ना, गपशप मारे लेटे लेटे, मेरा खुद का सोने का मन करा इनको देख के यार, बहुत सुस्ती छा रही है, मन करा एक्चुअली यहीं पे सो जाऊँ, पर यहाँ सो भी नहीं पाऊंगा इतना गर्म है नीचे की, भाई साहब फटे जाएगी मेरी यहाँ पे लेटा तो मैं अगर गलती से भी। हेलो ओए नाम क्या है इसका? पिंटू। पिंटू नाम है इसका? और पिंटू भाई बड़ा क्यूट है यार ये।
चलो गाइस फुल डे शूट करने के बाद हम लोगों की हालत एकदम खराब हो चुकी है भाई, पस्ता हालत हो चुकी है ना। टूट गया मैं तो। ये देखो हर कुछ ही तेज धूप है भाई, कसम से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। पानी पिया है हम लोगों ने आज, इतना पानी यार तीन चार बोतलें खत्म हो चुकी है, दो तीन बोतलें तो वहाँ पड़ी हुई है। पर भाई दिन भर में मुझे छह बार ऐसे लगा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है। और पता है कैसे? मेरे को एक बार लगा। नहीं तेरा तो सच में खो गया था। मेरा प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, गोप्रो से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे हाथ में मैं गूगल मैप्स देखते हुए मोबाइल है, और मेरा हाथ से हाथ लग रहा है ना जेब पे, मोबाइल किधर है? हाथ में मोबाइल है। ऐसे छह बार हुआ है भाई मेरे साथ। भाई टास्क कंप्लीट करते करते जो मेरे साथ आए थे ना कैमरामैन भाई, तो वो फोन को यूं चला रहे हैं, यूं चला रहे फोन को चला रहे हैं, और इधर से गाड़ी वाले ने ठोक दिया था भाई। मजाक नहीं करो, इतना डेडिकेशन, यहाँ रुकिए गाड़ी पैर के सामने, डेडिकेशन देख रहे बंदे की, बच गए यार। चलती रोड पे भाई, भाई हम लोग गाइस बेसिकली जो टास्क वाले वीडियो बना रहे हैं ना, बच गए भाई सारे के सारे। इतना थोड़ा सा सतर्क रहना, नहीं नहीं मैं सतर्क रहता हूँ और टाइम पे भी कंप्लीट करता हूँ, पता चलेगा सतर्क रह के। ये बंदा टाइम पे आ गया भाई, और ये बंदा उसी में हम लोगों को ताने दे रहा है, ताने दे रहा है। 70 सेकंड में सिग्नल पे रुका था क्योंकि मुझे क्रॉसिंग नहीं आती, मैं नूब नहीं, आप डरपोक है बोला। हाँ है डरपोक, अभी क्या करे, गाड़ी से डर लगता है। गाड़ी भी नहीं आ रही तब भी नहीं कर रहा था क्रॉस भाई। ये देखो ऐसे बैरिकेड थे और ऐसे हिल नहीं रहा था ये बिल्कुल, तो मैं इससे आदमी घुस गया था। तो गए पर जाएंगे कहाँ से, गेट कहाँ है? अरे यहाँ साइड से रास्ता भाई साहब, यार कमाल है भाई, दिखता अंधे हो गया तुम। चलो अरे यहाँ ऊपर चढ़ के जाना, यहाँ फंस जाएगा तू इस पे पट मार के, वही तो हम चाहते है। तभी तो मैं चाहता हूँ कि आपको चुभे, चलो जाओ। भैया नुकीले नहीं है, ये नुकीले नहीं है, तो जाओ ट्राई करो, ट्राई करो, आ जाओ, सीट मिल गई सीट। सो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं प्रणव भाई के साथ उनकी सुपर कार में, पोर्श भाई। फर्स्ट टाइम बैठने वाला मैं बाय द वे सुपर कार में, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ओ भाई साहब, भाई ग्रैंड वेलकम हो गया तो मेरा यार, भाई बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल यार, बढ़िया एकदम, ऐसा लग रहा है कि लेटा हुआ मैं कसम से यार, बेस्ट ही है भाई। ओ भाई साहब यार मजाक नहीं, आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी आवाज है भाई, मैं लोग डर जाएंगे, मजाक नहीं करो। प्लस मोड में मैंने डाल दिया है, अब मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रहा हूँ। Well, तो दिन के ढाई बज चुके हैं, अभी तक खाना कुछ नहीं खाया सुबह से लेके, एंड गेस व्हाट, हमारे पास क्या है खाने के लिए, क्या ये लिट्टी चोखा। हम लोग ने इसके बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा ये ऐसे एग्जैक्टली ट्राई करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज शिमला में ये मिलता नहीं है और मुंबई का मैं मुझे ही लगता है मिलता है, मैंने कभी नहीं देखा, नाम ही पहली बार सुना, सोचो भाई शिमला में रहके। आपको मतलब आपके इसने वीडियोस देखे? वीडियोस देखा था मैंने, और फिर मेरे को सडनली याद है इसको देखे के, तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा भाई बनते हुए। हेलो, मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखा, अभी खाएंगे जरा एक बार और देखते हैं भाई कैसा लगता है। भाई जो खुशबू आई है ना इसकी है कि नहीं है, मैं तोड़ के देखूं क्या, एकदम तीखी खुशबू भाई। हाँ खाओ जरा एक बार, कैसे खाते हैं? अरे तोड़ो खाओ ना, इसको फाड़ो क्रश करो, ये आलू का है, ये बैंगन का है, मैं भी डालेगा ऐसे सेम, तो चोखा कहते हैं। ओह चटनी यूज करो, तो ये बहुत स्पाइसी चटनी है, ये उसकी है, सब कुछ मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके, एंड आप देख लेना आराम से खाना, थोड़ा बहुत हार्ड है भाई, वर्थ इट है, सुबह से खाना नहीं खाया ना ये जरूर खाना है ना, है मिर्ची है, नहीं बहुत ऑसम है, बहुत गाइस मेन्यू में दो चीजें और है, ये आलू चाप, ये पीछे को पॉपकॉर्न है थोड़े, और ये है हमारे कई के प्याज के पकौड़े ना, ओ माय, चटनियां वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बाद में मिलूंगा भाई तुम लोगों से सीधा ही। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार कि अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्यों भाई 50% मेरा है, 50% स्मार्टी भाई का, और बाकी सारा एसजीओ का है ना,
हम गन्ने का बिजनेस स्टार्ट करने वाले गाइस। बर्फ चाहिए, बर्फ चाहिए भाई। तो दो में बर्फ पड़ता है, एक में बर्फ पड़ता है। अरे मेरे को लगा बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे हो आप, यार कमाल है भाई। इतनी गर्मी हो रही है गुड़गांव में कि भाई गन्ने का जूस पियेंगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। चलाने का मन कर रहा है मेरा तो। ओ भाई ये डाल दे अपने चैलेंज वीडियो में, कोई करेगा चैलेंज? तीन गन्ने की गाड़ियां लेके आएंगे और जो सबसे आगे भगाएगा उसको आगे जाके गन्ने का जूस निकालना है। ये चलती है एक्चुअली में? अंकल ये गाड़ी चलती है क्या, चलाते हो आप आगे के लिए इसको? है नाइस यार, काफी ऑसम लग रही है। क्या बात है स्मार्टी भाई। ये है गाइस मेरा नया बिजनेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी लोकेशन की। गन्ने पीने होंगे तो आ जाना, ठीक है भाई? चलो भाई। अरे गेट तो डालो, गेट भाई जो ये चुहा है ना, मेरे को ना बाकी समझ आग नहीं कर रहा हूँ। ये बॉय अबे चोरी कर रहा है भाई अंदर, यार बेचारे अंकल यहाँ पे मेहनत की कमाई खा रहे हैं, ये चोरी करने की कोशिश कर रहा है। एसडीओ तो चोरी कर लेता है यार, पियो इसको। चलो कम ऑन, हटा रहा हटा रहा आपको व्लॉग, आपका फेस रिवील नहीं करूंगा मैं। माइनक्राफ्ट का वो डाल देना इधर प्लीज साउंड। व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स। तो यार अभी कुछ टाइम पहले यार वैलोरेंट ने कुछ चीज हमारे लिए भेजी है। वैलोरेंट तुम लोगों को पता होगा गेम है बहुत ज्यादा पॉपुलर, तो उन्होंने कुछ तो हमारे लिए भेजा है। टैन टैन ड्रीम बॉय खोलेगा इसको, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जरा। एसजे जी क्या कर रही है, दिन भर बैठ के बस एक ही काम करता है, ठूसता है। मैं अभी उठा हूँ दिन भर, देख अभी उठा हुआ सीधा ठूसना स्टार्ट, ये इसका वो। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलो जरा, अनबॉक्सिंग करो जरा भाई, क्या है इसके अंदर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। कमॉन कमॉन, ओह इसमें तो हार्बर बना है भाई, ये बाय द वे इंडियन एजेंट है। हैं भाई अगर तो इसके अंदर स्पाइक हो गए ना गेम का, भाई साहब मजा देंगे। स्किन आ गई ना अगर किसी गन की स्किन ब्रो, मजा आ जाएगा फिर तो यार। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। रुको ऐसे नहीं, ऐसे 3 2 1 लेट्स गो। ये क्या Spike. ये एक्चुअली स्पाइक है। अरे तो इंजीनियरिंग का है वो, ड्राफ्टर रखने के। ओके गाइस ये पता नहीं क्या है, मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ, पर व्हाट इज दिस ब्रो। ये कैलेंडर दे रहे हैं कि हम लोगों को भाई कौन सी सदी में जी रहे हैं वैलोरेंट वाले, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। इसके अंदर क्या है, खोलो जरा करी। ओ इसके अंदर तो गेम का हार्डवेयर का एक पोस्टर जो कि मैं अपने कमरे में चिपका सकता हूँ। चलो बढ़िया है। ओ एक टी शर्ट दी है भाई, वैसे व्हाइट कलर की टी शर्ट मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है जिसमें मेरा खुद का लोगो बना हुआ है गाइस। तुम लोगों को चाहिए होगी तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा यहाँ पे और कुछ वो दिए हुए लाइक ऐसे स्टिकर्स वगैरह चिपकाने के लिए। व्हाट इज दिस, अच्छा फोन का वो ही है, फोन पे लगा सकते जो हार्डवेयर का लोगो है क्या? अरे हार्डवेयर का वो है कुछ तो, हाँ लोगो है उसको शायद से। और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट भी दी है, नहीं ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं है ये, बस्ता। अच्छा जैसे लाइक ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह जाते हैं करके। आई लाइक इट मैन, आई मीन ओवरऑल अच्छा है। अमित लगा तो स्पाइक आएगा यार, मैं खा के खुश हो गया। सब्जियां लेने जाएगा तो वैसे जाएगा यार, इंडियन है ना तो इसको ऑलरेडी पता है कि सब्जी लेने तो जाता ही होगा, मम्मी तो भेजती होगी यार। इसके अंदर वाइपर होनी चाहिए यार, इसको से लड़ी कहीं की होती है भाई हर जगह पे। ओके भैया थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई। इधर ही रख दो, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, ये रखो गाइस। ये दिन भर जो हम लोग करते हैं, ये बंदा दिख रहा है ये ठूसता रहता है और सारा सामान यहाँ पे रखता रहता है। और ये जो भाई तो चाय आई है मेरे लिए आई है, क्योंकि मैं दिन भर बैठ के चाय ठूसता रहता हूँ, कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।